दोस्तों टिकटॉक भारत में बैन हो जाने के बाद उसकी बहुत सारी अल्टरनेटिव एप्स भारत में लॉन्च हो गई, जैसे कि डब स्मैश, बाइट्स, ट्रेलर और जोस। और अब तो इंस्टाग्राम ने भी अपना शॉर्ट वीडियो का फीचर अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर दिया, जैसे कि रील्स। और अभी तो गाना भी अपनी नई ऐप लेके आ गया व्हाट्सएप, तो इसमें यूट्यूब कैसे पीछे रह जाता। तो यूट्यूब ने भी अपना नया फीचर लॉन्च कर दिया है शॉर्ट्स, और वो 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप वीडियो बना के उस पर लॉन्च कर सकते हो यूट्यूब की एप्लीकेशन में। तो चलिए आज पूरा यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, पर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और उसके बाद ही यूट्यूब शॉर्ट का वीडियो बनाना चालू कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो में हम जानेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स क्या है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, किसके लिए है और कैसे काम करता है, और हाँ खास बात की उससे पैसे मिलते हैं कि नहीं, जैसे कि रेगुलर यूट्यूब वीडियो के जैसे। तो चलिए बारी बारी से हम जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल ये है कि यूट्यूब शॉर्ट्स क्या है। तो टिकटॉक की तरह ही यूट्यूब ने उसके जैसे वीडियो बनाने और दिखाने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च किया है, और उसके नाम से पता चल रहा है शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स मतलब 1 मिनट या उससे कम का वीडियो बना के आप अपलोड करेंगे और पब्लिक मनोरंजन लेगी उसका। तो दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि यूट्यूब शॉर्ट्स कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यूट्यूब शॉर्ट्स सिर्फ आपको मोबाइल एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे, वेबसाइट में आपको नहीं देखेंगे। तो मोबाइल एप्लीकेशन खोलेंगे जैसे ही, तो 2-3 वीडियो स्क्रॉल करने के बाद नीचे पोर्ट्रेट मोड में आपको सब वीडियो देखेंगे, वो यूट्यूब शॉर्ट्स का सेल्फ है। और दूसरी जगह ये है कि यूट्यूब के एप्लीकेशन के लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर साइड शॉर्ट्स लिखा हुआ दिखेगा, वहाँ पे जाके आप टैप करेंगे तो वहाँ से भी आप शॉर्ट्स वीडियो देख पाएंगे। तीसरा सवाल ये है दोस्तों कि यूट्यूब शॉर्ट्स किसके लिए। तो यूट्यूब शॉर्ट्स सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। यूट्यूब ने ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मनोरंजन के लिए खड़ा किया है। अगर आप 1 मिनट या उससे कम में वीडियो बना सकते हैं तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए ही है। पहले आप टिकटॉक पे थे या तो फिर अभी इंस्टाग्राम रील्स पे हैं, तो आप यूट्यूब पे ट्रांसफर होकर कम समय में ये वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं और आपकी ऑडियंस को मनोरंजन दे सकते हैं। और ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप कम समय में बहुत अच्छा मनोरंजन देख सकते हैं। तो चौथा सवाल ये है दोस्तों कि यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे काम करता है। तो अगर आपने 1 मिनट या उससे कम का वीडियो बना के रखा है तो ये आप लोग सीधा अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब के एप्लीकेशन में, और या तो फिर आप यूट्यूब के एप्लीकेशन में डायरेक्ट जाए और वहाँ पे आपको कैमरा का सिंबल दिखेगा ऊपर, तो वो क्लिक करके वहाँ पे आपको नीचे शॉर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। अगर वो दिख नहीं रहा है तो आप वेट कीजिए 3-4 दिन, वो बाद में आ जाएगा, क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन में है। और उसके बाद क्या करना है, अगर आपको दिख जाए तो ये करना है कि वहाँ पे शॉर्ट्स में क्लिक करके आपको पूरी ऑडियो की लाइब्रेरी मिलेगी, और वहाँ से भी आपकी मनपसंद का कोई भी ऑडियो या सॉन्ग चूज करके अपने हिसाब से वीडियो बना के आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से ही बना रखा है तो आप सीधा अपलोड कर सकते हैं। पर एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीडियो अपलोड करने के बाद आपके टाइटल में शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट्स और या तो फिर माय फर्स्ट शॉर्ट्स, वो भी आना चाहिए। और अपलोड होने के बाद ये आपका शॉर्ट्स की सेल्फ में चला जाएगा। ये वीडियो आपको शायद दिख सकता है और दिख भी नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम अभी किसी को पता नहीं, और ये रेंडमली किसी को भी दिखा सकता है, सिर्फ आपके सब्सक्राइबर को भी नहीं, किसी को भी दिखा सकता है। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात कि इससे पैसे मिलेंगे कि नहीं। तो यूट्यूब ने अभी मोनेटाइजेशन की पॉलिसी अभी इसमें कोई फाइनल नहीं की है। तो जैसे रेगुलर वीडियोस की मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, मुझे लगता है कि शायद ऐसी ही पॉलिसी इसमें होगी, क्योंकि अभी तक यूट्यूब ने कुछ फाइनल नहीं किया है और कुछ भी डिक्लेयर भी नहीं किया है। तो आप यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो बनाते रहिए और अपलोड करते रहिए। तो दोस्तों आखिर में मैं कुछ छोटी छोटी बातें बोलना चाहूँगा यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में। तो यूट्यूब ने ये बोला कि आपको शॉर्ट्स बनाते समय यूट्यूब की सारी शर्तों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि यूट्यूब के वीडियो में होती है नॉर्मल वीडियोज में, और उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन भी फॉलो होनी चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं हुई तो आपके वीडियो पे स्ट्राइक भी आ सकती है और आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है, तो ये खास ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि अगर आप यूट्यूब के ऐप में से शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड करते हो तो उसमें आपने ऑडियो जो यूट्यूब के ऐप में से जो मिला है उसकी लाइब्रेरी में से तो वो चुना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आपने अपना वीडियो बना के उसमें आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करके वो अपलोड किया है और वो कॉपीराइटेड नहीं है, तो वो खास ध्यान रखना है कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए वो आपके वीडियो पे, क्योंकि वो कम्युनिटी बैलेंस फॉलो नहीं होती तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात ये कि आपके हर वीडियो के टाइटल में हैशटैग शॉर्ट्स और हैशटैग माय फर्स्ट शॉर्ट वो आना चाहिए, तो ये यूट्यूब के एल्गोरिथम पकड़ लेगा और आपके यूट्यूब शॉर्ट्स के सेल्फ में वो वीडियो दिखाएगा, और जो आपके सब्सक्राइबर है और नॉन सब्सक्राइबर है सबको वो दिखाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलेगा।
और दोस्तों YouTube ने ये कंफर्म किया है कि उसकी कोई अलग से ऐप नहीं आएगी, जो YouTube की मोबाइल ऐप है उसमें ही रहेगा। शॉर्ट्स का एक अलग से ऐप दिखेगा, वहाँ पे आपको सब ये वीडियो दिखेंगे। और आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप मिनिमम 15 सेकंड का वीडियो बनाएं, 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का वीडियो बना सकते हैं, उससे कम भी नहीं और उससे ज़्यादा भी नहीं। अगर उससे ज़्यादा या कम हुआ तो वो YouTube शॉर्ट्स नहीं बनेगा और वो रेगुलर वीडियो में चला जाएगा और वो ज़्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाएगा, तो ये खास ध्यान रखिए। और हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि YouTube शॉर्ट्स कैसे बने, पूरी A to Z आपको गाइड मिलेगी, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या तो फिर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को वीडियो पहुँचे और सब लोग आपके जैसे YouTube शॉर्ट्स के वीडियो बना पाएंगे। धन्यवाद।